वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का वाला शॉर्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। अपन आज का वाला शॉर्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है जी, सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ एलडी ऑफिस। मैंने लास्ट व्लॉग देखे होंगे तो उसमें मैंने एक व्लॉग में मैंने ये बोला कि मैं बना रहा हूँ घर के लिए नक्शा, तो उसकी पासिंग के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स तो वो तो मेरे पास थे। अभी एक पेपर मेरे पास नहीं था तो जो नक्शे वाले भाई थे उन्होंने बोला भाई इसके बगैर आपका नक्शा पास नहीं होगा, तो आप ऐसा करें आप एलडी ऑफिस जाएं तो आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर किसी मुश्किल है तो बस 500 रुपया किसी बंदे को दे देना तो आपको वो पेपर मिल जाएगा। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, अभी आए हूँ एलडी ऑफिस, अभी चलते हैं अंदर और फिर ऑफिस से होके आके आपसे वो भी बात शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि हमें पेपर मिला कि नहीं मिला। अभी मैं पार्किंग में जगह ढूंढ रहा हूँ और बारिश स्टार्ट हो चुकी है और टिम 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 शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये चेक करो, ये चेक करें ज़रा। अभी अभी फ़िलहाल मैं गाड़ी के अंदर बैठ गया हूँ और स्पेशली चोलिस्तान वाली साइड पे भी आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक अपने रहमत से उधर भी उस साइड में भी बारिश कर दे ताकि उनकी जो पानी की कमी है वो भी दूर हो जाए। अभी टाइम है जी ब्रेकफास्ट का और एलडी ऑफिस से तो मैं अभी हो आया हूँ और आपको उसकी डिटेल अभी अभी आपसे शेयर करते हैं। फिलहाल मैं क्या पहले नाश्ता कर लें और ये चने नान और साथ में भाई इन्होंने मुझे फ्रूट फ्री में दिया है, आपको बताता हूँ क्यों फ्री में दिया है, पहले खा लेते हैं। मैं घर पहुँच चुका हूँ और वीडियो कर रहा हूँ अपलोड, खिड़की के पास बैठा हूँ, ये चेक करें, खिड़की के पास बैठा हूँ ताकि मौसम इंजॉय करता हूँ, लेकिन भाई मौसम एकदम गायब हो चुका है और धूप निकल आई फुल तेज़ वाली, ये चेक करें फुल तेज़ वाली धूप निकल चुकी है। खैर और यहाँ पे मेरी और ये वीडियो अपलोड अभी बस थोड़ी सी हुई है, अभी अभी की है मैंने, 60% हो चुकी है, 61%। और साथ में पी रहा हूँ ये मैंगो जूस। जब घर आया हूँ तो मैंने घरों से बोला था मैंगो जूस बना दे और मैंगो जूस पी रहा हूँ, बड़ा मज़े का, हाय ठंडा याख, मौसम में पता नहीं चला एकदम से चेंज हो गया। अभी मैंने एक और काम जाना था तो वो खैर अब काम अब्बा जी का था, अब्बा जी ने बोला कि खैर कोई बात नहीं कल चले जाना और इसी बहाने तो जल्दी उठ जाएगा। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, खैर अभी वीडियो अपलोड करते हैं, फिर मैंने बाइक को सामान लेने भी जाना है। अभी जा रहा हूँ बाज़ार और अभी घर वालों ने बोला कि अंडे और दही लेके आनी, अभी वो लेने जा रहा हूँ और धूप निकली फुल तेज़ वाली, मौसम हो गया गर्म। साठ किलो अंडे दे, अरे किलो अंडे दे दे, किलो अंडे दे, किलो अंडे दे दे, 2000 क्यों नेट से सेट हुए 2000 किलो अंडे, 2000 किलो अंडे दे दे भाई, कह रही किलो अंडे दे, किलो कितने हो गए 10 अंडे, तो नहीं होता नहीं था फुकी रह गए। हां कितने हैं किलो अंडे? 12 पता लग गया उन के, जब भी मम्मी मूसा को लेके जा रहा हूं भाई, उसने लेना गिफ्ट और कह रहा है कि मुझे भाई लेके चलो जी। हाँ हाँ ठीक है, वो देखो दर्जा खुला हुआ, ये दर्जा तो बंद कर दो ना, लाम छे लाम छे शाबाज, चलो मैं करता हूँ, आप अंदर से ना इसको लॉक लगा दो, इसको अंदर से लॉक करो ना, चलो आज 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 मैं लॉक, मूसा रेडी बाइक के पास, घर चलें अंदर चलें, अंदर चलते हैं। मूसा बाइक चला रहा है और मेरा हाथ पीछे छुड़वा के एक हाथ से मैंने बाइक पकड़ी है और एक हाथ से मूसा ने पकड़ी हुई है, ये ऐसे ही करता जब भी बाहर आता है ना तो अपना एक हाथ पीछे कर लेता हूँ और बाद में कितने मज़े से पकड़ के बैठा होता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग इसने पकड़ा होता है, ये चेक कर, जैसे जैसे मैं हैंडल मैं जिस साइड पर हैंडल मैं मोड़ूंगा उसी साइड पर ही करेगा। और ऐसे एक गलती हो गई, मैं ये पार्क वाली साइड से ले आया स्टेडियम है इधर, तो वो इशारे कर रहा अंदर की तरफ चले, उसका ध्यान इधर है की तरफ देखे बाइक चलाते हैं आगे तरफ, हाँ ऐसे आगे तरफ देखे बस बाइक चलाते हैं। ठीक है जी, मुझे टॉय शॉप में और खुद ही सिलेक्ट कर रहा है, घर में जिद कर रहा था कि मुझे कोई गिफ्ट दो, इसने टीवी में ना और एक बर्थडे देखी थी उसमें गिफ्ट दे रहे थे, तो इसलिए रोना शुरू कर दिया मुझे भी गिफ्ट दो, अभी इसको लेके आया हूँ
टॉय शॉप में, देखते हैं क्या पसंद करता है। ये सारे बर्तन हैं, इधर इधर आ जाओ, इधर आओ। ये देखो सारे तोई ये लगे हुए हैं ना, सारे तोई इधर हैं। मूसा ने ये की है पसंद तलवार और कह रहा लेनी मैंने यही है, और मुझे पता है घर वालों से जगह मुझे पड़ जाएंगे डांट। मूसा ये देखो, वो ध्यान से ध्यान से, ये लेनी है, कैंसिल कर दूँ? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कैंसिल नहीं करता। जब मैं मूसा लेके बाइक पे बाहर गया था तो उस टाइम ना मुझे फील होता कि बारिश स्टार्ट होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा अंधेरा हो चुका हुआ है लेकिन बारिश बहुत ज़ोर से स्टार्ट है। अब वो आवाज़ आ रही होगी, आपको दिखाता हूँ। मैं दिखाने लगा था लेकिन लाइट चली गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। फिलहाल आपको दिखाता हूँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का तो इंतज़ार था और बारिश फाइनली हो गई है। छत का जो ड्रेन पाइप है वो चेक करना है कि किसी रुकावट की वजह से बंद ना हुआ हो, क्योंकि आपको पता छत होती है तो छत के ऊपर डस्ट वगैरह तो होती है जिसकी वजह से बंद हो जाता है। बारिश तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो अभी छाता निकालते हैं। ये रहा छाता। बस बस बस, आई 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 ओ पानी तो रुका हुआ है, पानी का समुंदर लगा हुआ है। ये चेक करें ज़रा, छत तो खैर फाइनली कर दी है साफ और कपड़े सारे मेरे हो गए गीले। वीडियो मैं कोशिश कर रहा था बनाने के लेकिन एक हाथ में छाता था, एक हाथ में मोबाइल था और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी जिसके वजह से वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है। अल्लाह पाक का लाख लाख करोड़ों दफ़ा शुक्र है कि बारिश हो गई है। बारिश का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, बस आप लोग दुआ कीजिएगा चोलिस्तान में, तो वहाँ पे भी अल्लाह पाक अपनी इसी तरह अपनी रहमत से बारिश वहाँ पे कर देता है, उधर की जो पानी की कमी है वो ख़त्म हो जाए। आमीन। तो बोला कि मैं छत साफ कर दी और वो मुझे कहते हैं गाड़ी का कपड़ा, मैं कौन से गाड़ी का कपड़ा, कहती अपनी गाड़ी का कपड़ा ऊपर था। मैंने कहा ऊपर तो कोई कपड़ा छपड़ा नहीं था। कह रहे फिर लगता, मैंने कहा कपड़ा फिर उड़ गया हुआ। मैं अभी फिलहाल साथ वाले प्लॉट ये प्लॉट है, चेक करता हूँ कपड़ा गाड़ी का पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ। तो था पुराना आगे नया तो ऊपर है, लेकिन वो इसके ऊपर डाल देता कि ये डस्ट से बच जाए। वो जाके चेक करते गाड़ी का कपड़ा कहाँ गया। कपड़ा तो फाइनली मिल गया जी, साथ वाले प्लॉट में गिरा हुआ था तो वहाँ से पकड़ के ले आया हूँ। कपड़ा ऐसे है पुराना, लेकिन ये है कि इसके ये नए कपड़े के ऊपर आ जाता तो फिर डस्ट से बच जाता ये भी कपड़ा। बाहर हो रही है बारिश और अंदर हो रही है जी छोटी सी मूसा की फ्राइज पार्टी। हाँ जी हाँ जी, और मूसा ने पहना मिकी माउस। मिकी माउस कहाँ है? हाँ ये मिकी माउस है, और मूसा के लिए बनी है फ्राइज, और साथ में हम भी चस्के लगा रहे, चुंगे चुंगे लगा रहे। ये रही जी फ्राइज, ये रही मैंगो, बीच में आइसक्रीम है, ये साथ में हमारी सॉसेस हैं, ये भी सॉस, ये भी सॉस, ये भी सॉस। चले अभी करेगा मूसा ईटिंग। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज इस ब्लॉग का है डे टू। रात को भाई बारिश ने कुछ करने नहीं दिया और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी। वैसे भी मैं कहीं बाहर नहीं गया था, घर में बैठा रहा हूँ, और उसके बाद भी मैं सो भी जल्दी गया था। खैर अभी आज के काम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। एक तो ये पानी की बोतल है ये लेके आनी है, उसके अलावा मूसा के ड्रॉप्स हैं, उसके अलावा फिर डाई है, उसके अलावा फिर रस है और नगेट्स हैं। आज अभी फ़िलहाल ये सारा कुछ मैंने लेके आना, एक घंटे के अंदर अंदर अभी यहाँ से लेते हैं मेडिसिन वगैरह, ड्रॉप्स वगैरह लेने हैं। ये पैम्पर भी हो गया कि बोतलें ले हैं, दो थी मैं तो पहले समझा था जैसे एक है। चलो इनको लेके आते, साथ में टाई और रस लेके आते हैं। ये पड़ी है हाफ के जी, ये कर दें और दो रस मैं पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ से लेने हैं जी रस, ये रे। इसके तो कितने पीस होते हैं? ये मूसा के लिए नगेट्स। अभी घर पहुँचा हूँ, घर वाले ने मुझे जो जो सामान बोला था इस चीज़ के बारे में बोला था, सारी चीज़ें लेके आ चुका हूँ, मेडिसिन नगेट्स सब कुछ एवरीथिंग घर में आ चुका है। और अभी मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग का करते हैं एंड।
तो ताकि फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर सकूँ। और इस अपने ब्लॉग का काम होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, सरे मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़ भाई।